हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, फेज़ 3 से रिलेटेड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग जानकारी ले लेते हैं फेज़ 3 से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि कॉलेज एलोकेशन कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, कॉलेज एलोकेशन के बाद आपको क्या प्रोसीजर करना होगा, यानी एलोकेशन टू पेमेंट तक का कैसे आप सफ़र तय करने वाले हो, क्योंकि आपका एलोकेशन जल्द ही होने वाला है, जाहिर सी बात है। जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा पूरा हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग वाला जो शेड्यूल आया हुआ है वहाँ पर लेके चलते हैं, थोड़ा सा काउंसलिंग का शेड्यूल आपको बता दें, फिर आपको ये चीज़ों पर हम लोग लेके चलेंगे। तो देख सकते हो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग शेड्यूल है। ठीक है, ये रिलीज़ किया गया था फेज़ 2 जब ओपन हुआ था तभी आपका रिलीज़ किया गया था। इसमें 2 एलोकेशन का जिक्र किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम रिमाइंडर के लिए ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपका यहाँ तक आपका ख़त्म हो चुका है, यानी सिमुलेटेड रैंक ऑलरेडी आ चुका है। अब आपका जो फर्स्ट एलोकेशन है वो रिलीज़ किया जाएगा 16 अगस्त को, यानी 16 अगस्त को आपका जो एलोकेशन होगा शाम के 5 बजे आपका एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या रहता है कि 16 अगस्त से लेके 18 अगस्त के बीच में आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। 18 अगस्त के शाम के 5 बजे तक आप अपना फ़ीस पेमेंट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, आगे का प्रोसीजर मतलब होता है। तो चलिए हम लोग अब जो आपका सवाल था वो सवाल पर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेज़ 3 क्या है ये जानकारी ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका फेज़ 1 था, यानी फेज़ 1 जब आपका ओपन हुआ था आपने उसमें फॉर्म फिलअप किया। फिर उसके बाद आपका फेज़ 2 स्टार्ट हुआ, यानी फेज़ 2 में आपका प्रेफरेंस फिलिंग करने का मौका दिया गया, उसमें आपने प्रेफरेंस डाला जो भी आपका कोर्सेज इंटरेस्ट था। अब क्या है कि फेज़ 3 होगा, यानी फेज़ 3 वो उसे कहते हैं कि आपका जो एलोकेशन होगा और आपका जो भी कॉलेजेस मिलेगा वो फेज़ 3 के अंडर में ही मिलेगा, जो भी आपका आपने प्रेफरेंस डाला है उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। ये ध्यान रखिए जो प्रेफरेंस आपने दिया है उसके हाइयर प्रेफरेंस ही आपको अलॉट किया जाता है, जो भी आपका मार्क्स हो CUET का जो भी स्कोर हो उसी के बेसिस पे आपका जो भी हायर प्रेफरेंस है वो एलोकेट होती है, जो भी CSAS का पोर्टल है यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो भी आपके मार्क्स होगा जो भी आपके CUET का स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका फेज़ 3 में एलोकेशन होता है। तो फेज़ 3 आपका मतलब एलोकेशन है कि आपका जो भी कॉलेजेस एलोकेट होगा वो फेज़ 3 में ही होगा और आपको कॉलेजेस को लेना होता है। ठीक है, तभी आप आगे प्रोसेस में बने रह सकते हो। अगर नहीं लोगे तो आप सारे काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाओगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया 2 राउंड अभी आया हुआ शेड्यूल, आगे भी मतलब 3rd राउंड आएगा, फिर स्पोर्ट्स स्पेशल स्पोर्ट ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी मतलब अच्छा खासा लंबा टाइम चलने वाला है, पर जो पहला एलोकेशन में होता है क्या होता है कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो रहते हैं वो उनकी सीटें क्लोज हो जाती है। जाहिर सी बात है काफ़ी लोगों का ड्रीम रहता है नॉर्थ कैंपस, और जब फेज़ 3 में जब एलोकेशन होता है तो जिनको भी नॉर्थ कैंपस एलोकेट हो गया वो लोग सीटों को छोड़ते नहीं हैं, बहुत रेयर केस में ही स्टूडेंट होते हैं वो छोड़ते हैं। ठीक है, तो फेज़ 3 आपको समझ में आ चुका है कि फेज़ 3 में आपका एलोकेशन होगा जो भी सीटें, 16 तारीख को पहला एलोकेशन होने वाला है शाम के 5 बजे तक। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी है, जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी CSAS फेज़ 3 सीट एलोकेशन कैसे होगा। तो सिंपल सा बात है, या आपने जो प्रेफरेंस डाला होगा जो भी आपने प्रेफरेंस को दिया होगा उसी के बेसिस पे आपका सीट एलोकेशन होगा, जो भी आपका मार्क्स होगा, यानी NTA जो आपका एग्ज़ाम ली हुई है, यानी ये आपका CUET का एग्ज़ाम जो हुआ है उसी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका एलोकेशन होता है आपने जो प्रेफरेंस डाला होगा। काफ़ी कैंडिडेट 100 प्रेफरेंस डालें, काफ़ी कैंडिडेट 5 डालें, काफ़ी कैंडिडेट 10 डालें, तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही सीट एलोकेशन होगा और आपका कहाँ दिखेगा वहीं पे आपका जो CSAS का पोर्टल है वहीं पे आपको दिखने को मिल जाएगा आपका सीट एलोकेशन। और जब आएगा तो सबसे पहली बात आपको सीटों को एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका फ़ीस पेमेंट का लिंक जनरेट किया जाएगा। जब आपका फ़ीस पेमेंट डन हो जाएगा तो आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड करो और 29 तारीख से आपका कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, जो भी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप डायरेक्ट कॉलेजेस में जाओ, फिर रिसिप्ट लेके जाओ, आपको एंट्री मिल जाएगा कॉलेज के अंदर।
ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ है, बस आपका जो सीट एलोकेशन होगा आपके मार्क्स के बेसिस पे ही होगा, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो जो भी जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उनका एलोकेशन पहले होने की चांसेस है, जिनका जिनका अगर पहले एलोकेशन में नहीं आता उनका सेकेंड में होगा, थर्ड में होगा, स्पॉट राउंड होगा, मतलब अच्छा खासा राउंड चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपका रहने वाला है पूरा प्रॉपर एलोकेशन। अब आ जाते हैं हम लोग सीट एलोकेशन के बाद आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, अगर आपका सीट एलोकेशन हो जाता है फेज़ थ्री के अंदर, तो आपको सीटों को एक्सेप्ट करना होता है। जो भी आप पोर्टल पे जाओगे, जहाँ से आप लॉगिन करते हो, जो फेज़ वन में आपने फॉर्म फिलअप किया, प्रेफरेंस डाला फेज़ टू में, उसके बाद फेज़ थ्री में आपका एलोकेशन होगा, तो उस जैसे ही आपका सीट मिले तो वो सीट को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका आगे का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आपको सीटों को एक्सेप्ट करना है, जो भी टाइम मैंने बताया, जो भी आपका डेट बताया गया उसी डेट के अंदर आप एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। जब एक्सेप्ट करोगे तो उसी टाइम आपका पेमेंट नहीं आएगा, आपको चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तीन स्टेप में आपका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वेयर होगा, उसके बाद एक और स्टेप होता है, उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन होगा। जब प्रिंसिपल सर या जो भी मैम है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट तीन स्टेप में आपका मतलब वेरिफिकेशन होगा कि हाँ जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है सही दिया है या नहीं, आपका एकेडमिक डिटेल सही है या नहीं, या आपका कैटेगरी सही है या नहीं, आपका जो भी डिटेल है बेसिक सा डिटेल वो सही है या नहीं, वो लोग मिलाएंगे, आपका सारा चीज़ें डन हो जाएगा। उसके बाद वो लोग पेमेंट लिंक जनरेट कर देंगे। आप वहाँ पर जाकर क्या करना, पेमेंट को जो भी पेमेंट होगा 10,000, 20,000, 30,000 जो भी आपका पेमेंट होगा उस पेमेंट को आपको कर लेना होगा। जो भी आपका मोड हो, लाइक डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, जो भी आपका हो या UPI, उसे आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट होने के बाद आप क्या कीजिएगा, उस पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट कॉलेजेस में चले जाना है 29th आपका अगस्त को, वहाँ से आपका क्लासेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, आपका ओरिएंटेशन आपका शुरू हो जाएगा। तो ऐसा रहने वाला है आपका एलोकेशन के बाद का प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, होप आपको समझ में आ चुका है एलोकेशन टू फीस पेमेंट तक का सफ़र आप कैसे तय करने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा ही आपका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आने वाला है, बाकी जैसे जैसे आता है इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दिया जाए कैसा आप मतलब यहाँ से आप सफ़र को तय करने वाले हो, क्योंकि अब एलोकेशन स्टार्ट होगा और काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इससे अच्छा कि एक सिंपल सा वीडियो बनाता हूँ और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यही है, बाकी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आता है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको शुरू से एंड तक यहाँ पे हेल्प किया जाता है। जो भी पुराने स्टूडेंट है वो यहाँ से काफ़ी मतलब हेल्प लेके गए हैं, तो डेफिनेटली आपको भी यहाँ से हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।